444 वैकेंसीज है। सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर किसने निकाली है? CSIR, काउंसिल फॉर ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, इस मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये। वेलकम टू भादरी फाउंडेशन, लेट्स सी ओरिजिनल नोटिफिकेशन पब्लिश्ड बाय CSIR। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है, 8 दिसंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी स्टार्ट हो गई है। लास्ट डेट 12 जनवरी है। एप्लीकेशन फीस 14 जनवरी तक दे सकते हैं। स्टेज वन का एग्ज़ाम टेंटेटिव है फरवरी 2024 में। स्टेज सेकंड का एग्ज़ाम विल बी नोटिफाइड ऑन द CSIR वेबसाइट, वो आपको कंटिन्यू देखते रहना है अपडेशन के लिए। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इनको वर्किंग ऑटोनोमी होती है इस ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन जो रूल्स और पे स्केल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही फॉलो होते हैं इसमें। तो हम रूल्स ऑफ द गेम समझ लेते हैं और फिर इस एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करेंगे। नंबर ऑफ पोस्ट किया, सेक्शन ऑफिसर, दो तरीके की पोस्ट है इसमें, सेक्शन ऑफिसर है और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, ठीक है। SO की पोस्ट है 76, 76 है। ग्रुप बी गजेटेड पोस्ट है, ये बहुत अच्छी पोस्ट है और इसका जो पे लेवल है 8 है और इनिशियल बेसिक भी 47,600 से स्टार्ट होगी। सिर्फ इसमें एक जनरल यूनिवर्सिटी डिग्री चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 33 ईयर्स ऑफ एज मैक्सिमम ये है। ASO में 368 वैकेंसीज है। ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट है, ये पे लेवल इसका 7 है और बेसिक पे 44,900 है। यूनिवर्सिटी डिग्री चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 33 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, मैक्सिमम 33 ईयर्स है। इसमें वैकेंसी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, टेंटेटिव वैकेंसी। आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो भरेंगे तो प्रेफरेंस भरनी है SO की या ASO की, तो ऑब्वियसली ये हायर पोस्ट है तो सब इसको SO को ही प्रेफर करना फर्स्ट में, सेकंड में ASO को। उसके बाद भी कार्डर में भी आपको प्रेफरेंस बन रही है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस एंड अकाउंट्स या स्टोर एंड परचेज, तो इस हिसाब से आपका जो भी इंटरेस्ट हो वो भर देना। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भर देना, फाइनेंस अकाउंट से आपका बैकग्राउंड है या आपको इंटरेस्ट लगता हो तो ये भर देना। स्टोर एंड परचेज, स्टोर और परचेज में आपका इंटरेस्ट हो, परचेज में या पब्लिक डीलिंग में या वेंडर से डील करने में, तो ये भर देना। एलोकेशन ऑफ कार्डर जो होगा वो CSIR डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड योर प्रेफरेंस, तो प्रेफरेंस भी आपको ध्यान से भरनी है और जो भी आपकी मेरिट आएगी उस हिसाब से। सेक्शन ऑफिसर की जो वैकेंसीज है उसका ब्रेकअप है, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में 28 है, फाइनेंस अकाउंट में 26 है और स्टोर एंड परचेज में 22 वैकेंसी है। ये कैटेगरी वाइज है, अपनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी आप देख सकते हैं। ASO की वैकेंसी पे आ जाओ, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में 237 है, फाइनेंस अकाउंट में 83 है, स्टोर एंड परचेज में 48 है, ये वैकेंसी है। ये ब्रेकअप है वैकेंसी का कैटेगरी वाइज। और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जो फीस है, 500 रुपीज़ फीस है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, OBC के, AWS के लिए, वुमेन SC ST इनके लिए एग्जाम्ड फीस नील फीस है, या जो CSIR डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स है, एक्स सर्विसमैन जो रेगुलर होता है। अच्छा, एज रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 ईयर्स की है, OBC के लिए 3 ईयर्स की है, बाकी अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं क्या एज रिलैक्सेशन है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सिलेबस और ब्रेकअप ऑफ मार्क्स, इस पर देखना हमें। तो इसमें एक पेपर वन होएगा जिसमें जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश होगी, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 0.33 मार्क्स, एज इन द केस ऑफ UPSC। UPSC में भी ऐसे ही होता है, जो नेगेटिव मार्किंग की वेटेज है यही रहती है, 100 क्वेश्चन होंगे। और जनरल इंग्लिश के इसमें 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग 0.33 होगी। तो पेपर फर्स्ट जो होगा आपका 150 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का होगा। दूसरा फिर आएगा पेपर टू, उसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी 200 क्वेश्चन होंगे, इसमें 200 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे, नेगेटिव मार्किंग वही रहेगी 0.33 और ये 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका। तो जो पेपर वन और पेपर टू को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अचीव कर लेगा उसको डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए, मतलब पेपर थ्री के लिए बुलाया जाएगा, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगा। उसमें ऐसे होगा, प्रेसिस राइटिंग होगी, लेटर या एप्लीकेशन आएगा, 150 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का होगा ये।
इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का, लेकिन होगा सिर्फ एसओ के लिए, सेक्शन ऑफिसर के लिए। देयर विल बी नो इंटरव्यू फॉर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स। तो ओनली एसओ के लिए होगा इंटरव्यू। सीपीटी होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, 100 मार्क्स का, ये होगा सिर्फ एएसओ के लिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए। देयर विल बी नो सीपीटी फॉर सेक्शन ऑफिसर। क्वालिफाइंग इन नेचर होता है सीपीटी, आप लोगों को पता है। पेपर 1, 2, 3 ये कॉमन होगा, कंपल्सरी होगा दोनों पोस्ट के लिए। तो मिनिमम थ्रेशहोल्ड जो मार्क्स है, वो जो भी थ्रेशहोल्ड क्लियर करेगा उसको डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए बुलाया जाएगा। जो डिस्क्रिप्टिव पेपर में मिनिमम थ्रेशहोल्ड मार्क्स अचीव करेगा उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, या एएसओ के केस में सीपीटी के लिए बुलाया जाएगा। अच्छा, और जो माइक्रो लेवल पे अगर हम सिलेबस और ब्रेकअप मार्क्स देख लें, तो जो जनरल अवेयरनेस में वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो जनरल अवेयरनेस 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में कॉम्प्रिहेंशन आएगी, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इंडायरेक्ट आएंगे, प्रोपोजिशन फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, सिनोनिम सेंटोनिम सेंटेंस करेक्शन कॉमन एरर्स पंक्चुएशन आइडम्शन फ्रेसेस, ये 50 मार्क्स के आएंगे। तो ये जो सिलेबस है हमने माइक्रो लेवल पे अपने ऐप पे भी अपलोड किया हुआ है, तो आप हमारा भादुड़ी फाउंडेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको रेडी रेफरेंस चाहिए इस सिलेबस से, मतलब आपको स्टडी मटेरियल चाहिए। तो दूसरा पेपर जो है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग मेंटल एबिलिटी, 200 मार्क्स। तो इसमें है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग मेंटल एबिलिटी 25 क्वेश्चन, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड जनरल इश्यूज में इन्वायरमेंटल इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज 25 क्वेश्चन, एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन। जैसे कि यूपीएससी में फोर्थ पेपर है, यूपीएससी एसएससी जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इजी पेपर है, ये इजीली क्रैक कर सकते हैं इसको, डिसीजन मेकिंग, और जिन्होंने नहीं भी तैयारी की अभी टाइम बहुत है तो इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं इसको, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग 25 क्वेश्चन, मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रैक्टिस 25 क्वेश्चन, नेशनल ज्योग्राफी नॉट वर्ल्ड ज्योग्राफी, नेशनल ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चन आएंगे इसमें। अच्छा, पेपर थर्ड, अब डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर आ गया, ये 150 मार्क्स का है, 2 घंटे का होगा। ऐसे राइटिंग, 2 ऐसे लिखवाएंगे 100 मार्क्स के, प्रेसिस राइटिंग कराएंगे, 1 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होगा, और लेटर या एप्लीकेशन में चॉइस होगी 20 मार्क्स का। तो ये हमारा सिलेबस है, ठीक है। आप इसको ओरिजिनल CSIR की वेबसाइट से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं और हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।